नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। आज हुआ रीवा में कोरोना विस्फोट, 29 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, होम क्वारंटाइन कराना पड़ा महंगा, फोर्ट रोड में एक ही परिवार के 13 लोग कोरोना पॉजिटिव। बता दें कि इसके पहले उसी परिवार के एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिसे घर में ही क्वारंटाइन किया गया था, जिसकी वजह से परिवार के 13 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह की घटना आज एक पानी टोला में हुई, जिसमें एक सदस्य को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, लेकिन उन्हें भी होम क्वारंटाइन किया गया है। प्रशासन को चाहिए कि होम क्वारंटाइन की व्यवस्था को कराए बंद, और जो भी होम क्वारंटाइन में है उनको प्रशासन अपने देख रेख में करे उनका इलाज, वरना उनके परिवार वालों को भी हो जाएगा कोरोना। नगर पालिक निगम क्षेत्र में रीवा में अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव लोगों की सूचना जानकारी प्राप्त हुई है। हम लोगों को फोर रोड में, रानी तालाब क्षेत्र में और साथ में द्वारिका नगर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों को कोरोना पॉजिटिव की जानकारी प्राप्त हुई है। स्वास्थ्य अमले के साथ साथ हम लोग यहाँ पर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, नगर निगम अमले के साथ सैनिटाइजेशन और साथ में उनका स्वास्थ्य भी पूछ रहे हैं कि कैसा है, कोई सिम्टम तो नहीं है, उसी की कार्यवाही यहाँ पर की जा रही है। संख्या का डाटा तो सीमा चौसा भी बता पाएंगे। फोर्ट रोड में आपने 3-5 दिन पहले क्वारंटाइन कर दिया एक व्यक्ति को, वहीं का वहीं आज वहाँ 13-14 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। हर जगह यही चीज देखी जा रही है कि कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं, ऐसे में कैसे मतलब ये आप लोग रोक पाएंगे इनको? होम क्वारंटाइन का प्रावधान है परिस्थितियों में, परंतु परिस्थिति तब है जब उनका घर बड़ा हो और उनको क्वारंटाइन होने की पूरी सुविधा वहाँ पर प्राप्त हो, इस तरह स्थिति में करने का है हमारे पास, तो उसी के तहत हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। जनता का थोड़ा सहयोग नहीं प्राप्त हो पा रहा हमको, जिस अपेक्षा मिलना चाहिए, लोग यहाँ पर नानुकुर या घर से निकल ही नहीं रहे, साथ में गाली गलौज जैसा भी माहौल बन रहा है यहाँ पर। सर, आप अगर उनको पहले वहाँ से निकाल लेते तो शायद ये 14 के विस्फोट नहीं होता वहाँ। नहीं, ऐसा तो नहीं था, हम लोगों ने होम क्वारंटाइन, उन्होंने अपना आश्वासन दिया था कि हम थर्ड फ्लोर पर अलग से रहेंगे, उन्होंने थर्ड फ्लोर पर अपना होम क्वारंटाइन बना रखा था। अब कैसी चूक कहां पर हुई समझने की देर लगेगी। सर, ये भी देखा जा रहा है कि नेताओं को के सपोर्ट पर ज़्यादा उछल रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल लॉकडाउन नहीं रहेगा, पर फिर भी बिना कारण आप लोग घर से न निकलें, वरना किसी भी तरह की परिस्थिति में आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। कोरोना पॉजिटिव होना अच्छी बात नहीं है। आज की विशेष खबर यही थी, बाकी खबरों के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।